हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नया कॉम्पिटिशन वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं इंडिया की मोस्ट फेवरेट एंट्री लेवल कार ऑल्टो के टॉप वेरिएंट VXL प्लस को कंपेयर करूंगा इंडिया के फेमस टॉल बॉय हैच कार मारुति वैगनर के बेस वेरिएंट एलेक्साई से। और वीडियो के आखिर में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट होगी। इस वीडियो में इंजिन, डायमेंशंस, कंफर्ट फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, वारंटी, सर्विस सेंटर्स और प्राइस पॉइंट को कंपेयर किया गया है। नंबर वन, इंजन मारुति ऑल्टो में मिलता है BS6 कॉम्प्लायंट 0.8 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जबकि मारुति वैगनर में मिलता है BS6 कॉम्प्लायंट 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मारुति वैगनर में आपको बड़ा इंजन मिलता है कॉम्पेयर टू ऑल्टो। पावर आउटपुट की बात करें तो ऑल्टो का इंजन जेनरेट करता है 47 HP का पावर और 69 Nm का टॉर्क, जबकि वैगनर का इंजन जेनरेट करता है 67 HP का पावर और 90 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो ऑल्टो में आपको मिलेगा 22.05 KMPL का माइलेज और मारुति वैगनर में आपको मिलता है 21.79 KMPL का माइलेज, जो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में। लेकिन हाँ, पावर फिगर्स और ज्यादा बड़ा इंजन होने के कारण फास्ट पैरामीटर का पॉइंट जाएगा वैगनर को। अब पॉइंट है ऑल्टो 0 और वैगनर 1 पॉइंट। नंबर 2, डायमेंशंस। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो मारुति ऑल्टो लेंथ में 210 mm कम है वैगनर से, विड्थ में 105 mm कम है वैगनर से, हाइट में 200 mm कम है वैगनर से, बूट स्पेस में 164 लीटर कम है वैगनर से, ग्राउंड क्लियरेंस में 5 mm कम है वैगनर से और व्हील बेस में 75 mm कम है वैगनर से। तो आप देख सकते हो, मारुति ऑल्टो लेंथ, बीर्थ, हाइट, बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस सभी में छोटी है वैगनर से, इसीलिए सेकेंड पैरामीटर का पॉइंट जाएगा मारुति वैगनर को। और अब स्कोर है ऑल्टो 0 पॉइंट, वैगनर 2 पॉइंट। नंबर 3, कंफर्ट फीचर्स। कंफर्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो इस वीडियो में मैं ऑल्टो के टॉप मॉडल को कंपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए ऑल्टो को इस थर्ड पैरामीटर में थोड़ी सी बढ़त मिल जाएगी। जैसे कि मारुति ऑल्टो के टॉप वेरिएंट में फीचर्स के नाम पर मिलता है फ्रंट पावर विंडोज, 7 इंच स्मार्ट प्ले स्टूडियो, फ्रंट 2 स्पीकर्स, मैनुअल एसी विद हीटर, सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और पावर स्टीयरिंग। फीचर्स के नाम पर मारुति वैगनर के बेस वेरिएंट एलेक्सा में मिलता है फ्रंट पावर विंडोज, एक्सेसरी सॉकेट, मैनुअल एसी विद हीटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मारुति वैगनर का बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें आपको फीचर बहुत ही कम मिलता है, इसीलिए थर्ड पैरामीटर में मारुति ऑल्टो को 1 पॉइंट मिलेगा। और अब स्कोर है ऑल्टो 1 पॉइंट और वैगनर 2 पॉइंट। नंबर 4, सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो मारुति ऑल्टो कोई बहुत ज्यादा सेफ कार है नहीं। क्रैश टेस्ट में इसे सिर्फ 0 स्टार मिला है, यानी कि मोस्ट अनसेफ कार। लेकिन फिर भी सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ऑल्टो में मिलता है ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विथ EBD, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम और रियर डोर चाइल्ड लॉक। इसके मुकाबले मारुति वैगनर भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। इसे क्रैश टेस्ट में 2 स्टार मिला हुआ है, यानी कि ये भी अनसेफ कार है। लेकिन फिर भी सेफ्टी फीचर्स के नाम पर वैगनर के बेस वेरिएंट एलेक्साई में मिलता है ओनली ड्राइवर एयरबैग, ABS विथ EBD, सेंट्रल लॉकिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और रियर डोर चाइल्ड लॉक। तो जैसे कि आपने देखा कि वैगनर और ऑल्टो में आपको लगभग एक जैसा ही सेफ्टी फीचर मिलता है, लेकिन फिर भी ऑल्टो को क्रैश टेस्ट में 0 स्टार मिला हुआ है, जो 2 स्टार से कम है। इसीलिए इस थर्ड पैरामीटर में सिर्फ वैगनर को ही 1 पॉइंट मिलेगा। और अब स्कोर है ऑल्टो 1 पॉइंट और वैगनर 3 पॉइंट। नंबर 5, वारंटी एंड सर्विस सेंटर्स। स्टैंडर्ड वारंटी के नाम पर मारुति ऑल्टो और मारुति वैगनर दोनों ही प्रोडक्ट में 2 साल या फिर
40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। सर्विस सेंटर की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट मारुति के हैं और मारुति का सर्विस नेटवर्क इंडिया में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वाइड सर्विस नेटवर्क है मारुति का, इसीलिए दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलेगा। और अब स्कोर है ऑल्टो 2 पॉइंट और वैगनर 4 पॉइंट। नंबर 6 प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो मारुति ऑल्टो VXA प्लस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 4.03 लाख रुपए। मारुति वैगनर बेस वेरिएंट LXi वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 4.80 लाख रुपए। इन दोनों में 77,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो ज्यादा है, इसीलिए 6 पैरामीटर का पॉइंट जाएगा मारुति ऑल्टो को। और अब स्कोर है ऑल्टो 3 पॉइंट और वैगनर 4 पॉइंट। अब आखिर में बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। तो अगर आपका बजट 3 से 4 लाख रुपए के बीच में है तो आप मारुति ऑल्टो परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बेटर माइलेज मिलेगा, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन मिलेगी, सर्विस में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये एक अनसेफ कार है। अगर आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ही मारुति ऑल्टो को परचेस करना। लेकिन अगर आप अपने बजट को एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए के करीब या फिर 5.5 लाख रुपए के करीब आप अपने बजट को एक्सटेंड कर सकते हो, तो आप मारुति वैगनर को परचेस करिए, क्योंकि इसमें भी आपको बेटर माइलेज मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी पेस मिलेगी कार के अंदर, चाहे वो फ्रंट रो हो या फिर रियर रो हो, आपको अच्छी खासी पेस मिलेगी कार के अंदर, आपको कोई भी घुटन नहीं होगी, चढ़ना उतरना भी बहुत इजी है वैगनर में, और इसमें आपको ज़्यादा पावर जेनरेट करने वाली इंजन भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, वैगनर भी कोई सेफ कार है नहीं, ये भी अनसेफ कार है, इसीलिए सेफ्टी को अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप मारुति वैगनर परचेस कर सकते हो। और मेरी राय यही है कि मारुति ऑल्टो के मुकाबले आप मारुति वैगनर परचेस करिए, क्योंकि ये एक बड़ी गाड़ी है। लेकिन हाँ, आपको फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वैगनर के बेस वेरिएंट में आपको ज़्यादा फीचर देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये एक बेस वेरिएंट है, इसीलिए आप अपने मर्जी के हिसाब से अपने कार में फीचर्स लगवा सकते हो। जो फीचर आपको नहीं चाहिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो गाइज, ये था आज का कॉम्पेरिजन वीडियो। आई होप आपको आज का ये कॉम्पेरिजन वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना विथ ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।